हर कोई गर्मी में बीच का मज़ा लेना चाहता है। स्विमर्स के लिए तो बीच किसी जन्नत से कम नहीं है, पर वो क्या कारण है जिसकी वजह से बीच इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव जगह होती है? शायद पानी का कलर या फिर बीच का परफेक्ट टेम्परेचर। शायद आप डॉल्फिन्स के साथ भी स्विम कर चुके होंगे, पर क्या आप जानते हैं इस दुनिया में ऐसे कई बीच हैं जहाँ जाना फॉरबिडन है, पूरी तरह से बैन है, और ऐसे बीच भी हैं जहाँ आप जा तो सकते हैं पर आपको नहीं जाना चाहिए। बीचेस पर जाना आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको दुनिया के 7 ऐसे बीचेस के बारे में बताएंगे जहां आप कभी जाना नहीं चाहेंगे, भले ही वो बीच इस दुनिया की जन्नत क्यों ना हो। पूल ऑफ डेथ। हवाई आइलैंड अपने ट्रॉपिकल बीचेस के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है, पर इन्हीं में से एक खतरनाक पूल कुआई हवाई, जिसको पूल ऑफ डेथ भी बोला जाता है, मतलब मौत का समुंदर। इसके नाम से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा भयानक होगा। ये एक बाढ़ ग्रस्त गुफा है जिसको वोल्केनिक रॉक यानी ज्वालामुखी चट्टान के पास बनाया गया है। इसकी लहरें बहुत ही शानदार लगती हैं देखने में, पर इसमें बीच बीच में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो जाता है और साथ में इसमें करंट भी आने लगता है। बहुत से लोग यहाँ 20 फुट के वाटरफॉल से कूदने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग इसमें डूब के मर चुके हैं, तो कई लोगों को बहुत गहरी चोटें आई हैं, जैसे चेस्ट इंजरीज, उनके कान के पर्दे फट गए हैं इस पानी में तैरने की वजह से। हाल ही में एक 13 साल की बच्ची यहाँ स्विमिंग करने की वजह से पूरी तरह पैरालाइज हो चुकी है। पर आपको यकीन नहीं होगा कि इतने लोगों के मरने की लिस्ट में किसी भी लोकल हवाई का नंबर नहीं है, और इसकी वजह है वो ऐसी तेज लहरों का सामना करना जानते हैं, पर इसके बावजूद वो यहाँ आने से बचते हैं। लेकिन ये बीच इसके बाद भी सैलानियों में काफ़ी मशहूर है, तो यहाँ अगर आप जाएं तो पूरी तरह से अपने रिस्क पर ही जाएं, और याद रखिएगा कि यहाँ आपको कोई भी लाइफगार्ड नहीं मिलेगा आपकी मदद के लिए। फ्लोरिडा मशहूर है अपने मौसम के लिए, नाइट लाइफ के लिए, अपने फ्लोरिडा मैन की वजह से। इस जगह को लोग अपने सेकेंड होम की तरह से देखते हैं। दुनिया भर से लोग रिटायर होकर यहाँ रहना पसंद करते हैं। यहाँ के बीचेस में कुछ अलग ही बात है, पर एक बीच है फ्लोरिडा में जिससे हर किसी को दूर रहना चाहिए, और वो है न्यूज मेराना बीच। ये दूर से देखने में किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। साफ नीला पानी, सफ़ेद रेत और फैंसी रंगीन नाव जो आपको आसपास खड़ी दिखेंगी, पर जैसे ही आप इस बीच के पास जाना शुरू करेंगे ये डरावनी लगनी शुरू हो जाएगी। इसके पानी में आपको बहुत सी अजीब चीज़ें तैरती हुई नजर आएंगी। यहाँ छोटी शार्क से लेकर बड़ी शार्क पानी में अपने खाने का इंतज़ार करती हुई मिलेंगी, तो शार्क का खाना बनने से बचने के लिए इस बीच पर गलती से भी मत जाना। गैल्वेस्टन काउंटी बीचेस। स्विम एट योर रिस्क। साइन तो हम हर जगह देखते हैं और उसको अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं, पर दोस्तों यहाँ के बीचेस पर इस साइन को भूल कर भी इग्नोर मत करना। समुंदर के पानी में जानलेवा शार्क क्रोकोडाइल के बारे में तो जानते हैं आप, ये भी जानते हैं कि पानी में करंट आता है, पर गैल्वेस्टन काउंटी के बीचेस इससे भी ज़्यादा खतरनाक, और इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि हम इंसान ही हैं। आपको गैल्वेस्टन काउंटी के हर बीच पर स्विम एट योर रिस्क के साइन मिलेंगे। इन बीचेस का पानी इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है कि आपका सीरियसली बीमार होना कंफर्म है। आप यहाँ के बीचेस के पानी को छूने से ही बीमार पड़ सकते हैं कि इतना ज़्यादा प्रदूषित है, और इसके पानी में सीवर का पानी मिला होता है, और यहाँ सिर्फ गंदगी, प्लास्टिक बॉटल्स या कचरा डालने की वजह से नहीं है, बल्कि इसमें फेकल पानी में मिक्स होकर जो बैक्टीरिया बनाता है वो बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग और जानलेवा होता है। 2017 और 2018 में गैल्वेस्टन काउंटी के 3 बीचेस हेलन बुलवार्ड, मैग्नोलिया लेन और रेड लाइन रोड में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन पाया गया। आज भी इन बीचेस के हालात में कोई सुधार नहीं आया है। अब आप ही बताइए कि आप टॉयलेट के पानी में तैरना चाहेंगे? लेक कराची बीच। अपना स्विमिंग सूट घर पर ही छोड़कर जाना, क्योंकि लेक कराची एक छोटी सी लेक है रशिया के सदर यूरल माउंटेन्स में, और ये दुनिया की आखिरी जगह होगी जहां आप जाना चाहेंगे। 1951 और 1953 के बीच में इस लेक को एज अ डंपिंग ग्राउंड इस्तेमाल किया गया, जहाँ चेर्नोबिल जो कि एक न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज था कि सारे रेडियो एक्टिव वेस्ट
को इसमें डंप किया जाता था। ये सारा वेस्ट बड़ी क्वांटिटी में डायरेक्टली टेट्रा रिवर में जाता था, जिससे उस टाइम करीबन 1,24,000 लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि उस टाइम उन लोगों के लिए पीने का पानी का सोर्स सिर्फ यही रिवर था। आज कई साल बाद भी यहाँ का पानी जहरीला ही है, और यही वजह है कि वॉशिंगटन DC बेस्ड वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट ने इस लेक को पूरे प्लानट में सबसे प्रदूषित अनाउंस कर दिया था। और अगर नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल की माने तो ये लेक इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है कि इसका जहरीला पानी इंसान को 1 घंटे में ख़त्म कर सकता है। यहाँ तक कि इस लेक के आसपास सांस लेना भी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। तैरना तो दूर की बात है, इसके आसपास की जगह भी जाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बॉन्डाई बाथ्स। ये बॉन्डाई आइसबर्ग स्विमिंग क्लब एक ऑस्ट्रेलियन स्विमर्स विंटर क्लब है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बॉन्डाई बीच के सदर्न एंड पर लोकेटेड है। ये स्विमिंग क्लब 1929 में खोला गया था, और इसके फर्स्ट फ्लोर में छोटा सा म्यूजियम भी है। इस स्विमिंग पूल को दुनिया का सबसे खूबसूरत और यूनिक पूल माना जाता है, पर यह पानी में रहने वाली शार्क्स का भी फेवरेट स्पॉट है। बॉन्डाई बाथ्स ऐसा स्विमिंग पूल है जो एक्चुअली समुंदर के बीचों बीच बना हुआ है, जहां पानी की लहरें इस स्विमिंग पूल से टकराती रहती हैं, और इन लहरों की वजह से इस स्विमिंग पूल में क्लोरिनेटेड वाटर को मेंटेन करना मुश्किल है। तो यहां का पानी भी समुंदर के पानी की तरह खारा ही रहता है ज़्यादातर टाइम। पर इस स्विमिंग पूल में हम इस खारे पानी की वजह से आपको मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि शार्क्स जो कि तेज़ लहरों के टाइम इस पूल में बहकर आ जाती हैं और फंस जाती हैं। अब आप लोग समझदार हैं, आप जानते हैं एक जानवर जो कि डरा हुआ है कितना खतरनाक हो सकता है। बॉन्डाई बाथ नो डाउट बहुत फेमस है, पर यकीनन सुकून देने वाली जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी जगह क्यों ही जाना जहां पहले से ही पता है कि रिस्क आपका इंतज़ार कर रहा है। कीपू फॉल्स। अगर आप कीपू फॉल्स में स्विमिंग करने जाते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं आपको ट्रेसपासिंग के लिए फाइन देकर छोड़ दिया जाएगा, अगर आप लकी हुए तो, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका लक काम नहीं करा तो पूरे चांसेस हैं कि आप इस जगह से कभी वापस ही ना लौटें। एक टाइम में कीपू फॉल्स बहुत फेमस टूरिस्ट पॉइंट हुआ करता था हर टूरिस्ट गाइड ब्रोशर्स में, पर इस जगह के रहस्यमय राज के बाद इस जगह का नक्शा पूरी तरह से बदल गया। जो कभी टूरिस्ट की पसंद होता था, आज ये जगह हर कोने से सील कर दी गई है। ये एक प्राइवेट जगह थी जहाँ पे लोग वॉक कर 20 फुट ऊँचे वाटरफॉल तक पहुँच जाते थे। इस झरने का पानी नीचे पूल में इकट्ठा हुआ करता था, पर जैसे हर चीज़ अपना प्राइस लेकर आती है, वैसे ही ये खूबसूरत जगह भी लेकर आई। इस झरने से कूदने के बाद यहाँ कई लोगों की मौत हो गई थी और काफ़ी लोग गायब हो गए थे, जिनकी खबर आज तक नहीं मिली। और चौंकाने वाली बात ये थी कि यहाँ के पानी की गहराई इतनी नहीं थी कि कोई डूब सके। यहाँ वो लोग भी स्विमिंग किया करते थे जिनको सिर्फ बेसिक स्विमिंग आती थी। आज की डेट तक भी किसी को नहीं पता इन हादसों के पीछे की सही वजह, पर यहाँ के लोगों का मानना है कि मोआ एक पानी में रहने वाली आत्मा इन लोगों को ऊपर से नीचे खींचती है। पर इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं बता सकता, पर वजह कोई भी हो, कुआई टूरिस्ट ब्यूरो ने टूरिस्ट गाइड पब्लिशर को ऑर्डर दिया है कि कीपू फॉल्स को अपने ब्रोशर में से हमेशा के लिए हटा दें। अब इस जगह को चारों तरफ से सील कर दिया है, और अगर कोई इसमें जाने की कोशिश करेगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। द रेड ट्राइंगल। कैलिफोर्निया नो डाउट एक बहुत ही अच्छी जगह है रहने के लिए। यहाँ का मौसम पूरे साल बहुत अच्छा रहता है, यहाँ का खाना भी बहुत ही लाजवाब होता है। हॉलीवुड को कैसे भूल सकते हैं, यहाँ 12 के 12 महीने हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए होता है, और यहाँ पर बहुत बीचेस हैं। अगर आपको एक बीच पसंद नहीं है तो थोड़ी ही दूर पर आप दूसरे बीच पर जा सकते हैं, पर आप कैलिफोर्निया के रेड ट्राइंगल बीच पर कभी नहीं जाना चाहेंगे। ये बीच बहुत बड़ा है, इम्प्रेसिव है और अमेजिंगली ब्यूटीफुल है। आप सब सोचेंगे कि सब कुछ इतना बढ़िया है तो ये हमारी लिस्ट में टॉप पर क्यों है। रेड ट्राइंगल बीच पर सबसे ज़्यादा वाइट शार्क अटैक होते हैं। हर तीसरे शार्क अटैक की खबर इसी बीच से आती है। ये वाइट शार्क जानती है कि इस बीच पर बहुत लोग होते हैं, पर फिर भी ये यहाँ आकर अटैक करती है। इसके पीछे की वजह है इस बीच के छोर पर बहुत सारे सील्स, सील लायन और ऑटर्स रहते हैं, और
ये सब वाइट शार्क को बीच के नज़दीक लेकर आते हैं। अब शार्क को छोटे बुफे से ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है बड़े शिकारी पसंद आएंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल नोमैडिक ईव को आज ही लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।